दोस्तों कहते हैं कि अगर कोई अभिनेता अपने नाम से ज्यादा किसी फिल्म में खुद के द्वारा निभाए गए किरदार के नाम से पहचाना जाए तो उसे एक सफल अभिनेता मानना चाहिए। भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक फिल्म शोले में ऐसे कई अभिनेता रहे जिन्हें बाद में सिने प्रेमी उनके द्वारा निभाए गए किरदार के नाम से जानने लगे। चाहे बात करें कालिया की, सांभा की, सूरमा भोपाली की या फिर गब्बर सिंह की। आज के इस बायोग्राफिकल वीडियो में हम इन्हीं अभिनेताओं में से एक अमजद खान साहब के बारे में विस्तार से बातें करेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अमजद खान का जन्म 12 नवंबर साल 1940 को पेशावर में पिता जकारिया खान यानी अभिनेता जयंत और मां कमर खान के पश्तून परिवार में हुआ था। अमजद खान के पिता 40 से लेकर 60 के दशक तक भारतीय सिनेमा के एक जाने माने अभिनेता रह चुके थे। इसके अलावा अमजद के दो भाई भी थे जिनका नाम इम्तियाज खान और इनायत खान था। इनमें से इम्तियाज खान भी फिल्मों में सक्रिय रहे। अमजद खान की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बांद्रा के सेंट थेरेसा हाई स्कूल में हुई, जिसके बाद इनका दाखिला आरडी नेशनल कॉलेज में हो गया था, जहां से इन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की थी। अपनी कॉलेज शिक्षा के दौरान अमजद खान राजनीति में भी सक्रिय रहे और स्टूडेंट काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी बने, लेकिन इसके बावजूद भी इनका मन मंचन गतिविधियों में अधिक लगता था। अदाकारी का जुनून अमजद खान को विरासत में मिला था और ये अपनी विरासत को आगे भी बढ़ाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने शुरू से ही अलग अलग मंचों पर अभिनय करना शुरू कर दिया था। गौरतलब है कि अदाकारी के गुण सीखने के लिए इन्हें किसी संस्था में जाने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि ये शिक्षाएं इन्हें घर पर ही अपने पिता से मिल जाती थी। अमजद खान की पहली फिल्म का नाम नाजनीन बताया जाता है, जो साल 1951 में रिलीज हुई थी, लेकिन अपने चाचा द्वारा निर्मित फिल्म चार पैसा में भी ये एक बाल कलाकार के रूप में नजर आए थे और उस समय इनकी उम्र मात्र 4 वर्ष ही थी। इसके बाद ये राज कपूर की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में भी नजर आए और साथ ही रंगमंच से भी जुड़े रहे। अमजद खान लगातार फिल्मों में काम तो कर रहे थे, लेकिन उन फिल्मों से इनको पैसों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। इसी बीच इन्होंने फिल्म मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ को उनकी फिल्म लव एंड गॉड में असिस्ट करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन ये काम भी के आसिफ के असमय निधन के बाद इनके हाथों से निकल गया। 70 के दशक के शुरुआती सालों में एक समय ऐसा भी आया था जब अमजद खान अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या करें, इन प्रश्नों में उलझे हुए थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने मंच को पकड़े रखा था। और एक दिन सलीम खान ने इनको एक नाटक ए मेरे वतन के लोगों में अभिनय करते हुए देखा और अपनी आगामी फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया। इस फिल्म का नाम शोले था, जिसमें डाकू गब्बर सिंह के किरदार के लिए पहली पसंद डैनी डेंगजोंगपा थे, लेकिन उन्होंने ये फिल्म इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उस समय वो फिल्म धर्मात्मा के लिए अपने दोस्त फिरोज खान को वादा कर चुके थे। इसके बाद गब्बर सिंह के किरदार के लिए अभिनेता रंजीत को भी अप्रोच किया गया, लेकिन उन्होंने समय की कमी के चलते ये किरदार निभाने से मना कर दिया था। इसके बाद सलीम खान के कहने पर रमेश सिप्पी ने अमजद खान को ये किरदार दिया, जिसके लिए उन्होंने हाथों हाथ हाँ कह दिया था। अपने किरदार की तैयारी के लिए अमजद खान बाजार से एक ड्रेस भी ले आए थे, जिसे फिल्म में भी उन्होंने पहना था। इसके अलावा कहा जाता है कि इन्होंने डाकुओं की जिंदगी को समझने के लिए जया बच्चन के पिता द्वारा लिखित पुस्तक अभिशप्त चंबल को भी पढ़ा था। इसके बावजूद भी शोले की शूटिंग के पहले ही दिन अमजद खान अपने डायलॉग सही तरीके से नहीं बोल पा रहे थे। इन्हें इस फिल्म में अपना पहला संवाद बोलने के लिए 45 बार रीटेक लेना पड़ा था। संवाद अदायगी में अमजद खान की आवाज सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आ रही थी, क्योंकि उनकी आवाज पतली थी जो एक डाकू के किरदार पर फिट नहीं बैठ रही थी। इससे निजात पाने के लिए उन्होंने गरारे करना शुरू किए और कहा जाता है कि इससे उनकी आवाज खुल गई थी और आगे जो हुआ वो ऐतिहासिक है। लेकिन इससे पहले जब शुरुआती समय में अमजद खान सही नहीं कर रहे थे, तब सेट पर उनको लेकर कई तरह की बातें होने लगी थी।
यहाँ तक कि फिल्म की लेखक जोड़ी में से एक जावेद अख्तर ने अमजद खान को रिजेक्ट कर दिया था और रमेश सिप्पी को उन्हें फिल्म से हटाने के लिए भी कहा था। ये बात जब अमजद खान ने सुनी तो वो काफी मायूस हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने सलीम जावेद की फिल्मों में काम ना करने का मन बना लिया था। खैर, शोले फिल्म जब रिलीज हुई तब कुछ दिन इसके रिव्यूज नेगेटिव आ रहे थे और कुछ लोग इसका कारण भी अमजद खान को ही मानने लगे थे। इन सब बातों से परेशान अमजद खान एक दिन किसी व्यक्ति के पास गए जो तोते की मदद से लोगों का भविष्य बताया करता था। उन्होंने अपनी दिक्कत उस आदमी को बताई, जिसके बाद उसके तोते ने एक कार्ड निकाला जिसे पढ़कर उस आदमी ने कहा कि तुम जो भी काम करोगे उसमें सबसे बड़ी सफलता तुम्हें ही मिलेगी। और उस आदमी की ये बात सच भी साबित हुई। समय के साथ साथ फिल्म शोले बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने लगी और अब सबकी जुबान पर सिर्फ गब्बर का ही नाम था। लोगों को गब्बर के शानदार संवाद कंठस्थ हो गए थे, जिन्हें लोग आज भी दोहराते नहीं थकते हैं। इस अप्रतिम शोहरत का परिणाम ये रहा कि ब्रिटानिया ने पहली बार किसी विलेन को अपने प्रोडक्ट का चेहरा बनाने का फैसला किया और अमजद खान गब्बर सिंह के लुक में ऐड करते नजर आए थे। हालांकि इतना शोहरत के बावजूद भी अमजद खान का मन शांत नहीं था, क्योंकि उनको अदाकारी सिखाने वाले उनके गुरु और पिता अपने बेटे की ये शोहरत देखने के लिए दुनिया में नहीं रहे थे। फिल्म शोले के बाद अमजद खान एक विलेन के रूप में सबके पसंदीदा बन गए, लेकिन वो किसी एक सूरत में सिमट कर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर तरह के किरदार करना जारी रखा और अलग अलग फिल्मों में भिन्न भिन्न तरह के किरदार करते नजर आए। साल 1976 में फिल्म चरस में काम करने के बाद अमजद खान सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में वाजिद अली शाह का किरदार निभाते हुए दिखे। इस फिल्म में उन्होंने एक गाना भी डब किया था। इसी साल वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म परवरिश में भी नजर आए थे। अमिताभ बच्चन के साथ अमजद खान का याराना बहुत मशहूर रहा था। अमित जी के साथ इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग तरह से काम किया। कभी ये अमिताभ बच्चन के पिता बनकर सामने आए तो कभी दोस्त बनकर अपनी अदाकारी का जौहर दिखाया। साल 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में इनके द्वारा निभाया गया दिलावर का किरदार शोले के बाद उन चंद किरदारों में से एक है जिसके लिए अमजद खान को आज भी याद किया जाता है। इसी साल गुलजार द्वारा निर्मित फिल्म मीरा में अमजद खान बादशाह अकबर का किरदार निभाते हुए भी नजर आए थे। आगे आने वाले सालों में लव स्टोरी और कुर्बानी जैसी फिल्मों में अमजद खान बिल्कुल ही अलग रूप में नजर आए। अपनी पिछली सभी छवियों के विपरीत इस बार उन्होंने कॉमेडी में हाथ आजमाया और सफल होकर निकले। इसी बीच ये कुछ समय के लिए एक्टर्स गिल्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे, जहां अपने पद पर रहते हुए इन्होंने बेहतरीन काम किया था। बात करें अमजद खान के स्वभाव की तो ये अभिनेता स्वभाव से ही सेवा भावी इंसान था। लोगों की मदद करना जैसे इन्हें अंदरूनी खुशी का एहसास करवाता था। दोस्तों के दोस्त रहे अमजद खान की अमिताभ बच्चन के साथ दोस्ती के कई किस्से मशहूर हैं। अमिताभ बच्चन के साथ गोवा में फिल्म द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग करने के दौरान एक दिन जब अमजद खान सेट पर जा रहे थे तब बीच राह में इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे इनकी कई पसलियां टूट गई थी और इनके शरीर पर कई चोटें आई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान अमिताभ बच्चन ने इनकी काफी मदद की थी। इसके बाद जब फिल्म कुली के दौरान अमिताभ बच्चन की हालत गंभीर थी तब अमजद खान ने भी अपने दोस्त के साथ कई रातें बिना सोए गुजारी थी। बात करें अमजद खान की निजी जिंदगी के बारे में तो इनकी शादी शहला खान से साल 1972 में हुई थी। इन दोनों की लव स्टोरी भी काफी चर्चित रही थी। शहला से इन्हें दो बेटे शादाब खान और सीमाब खान तथा बेटी सहलम खान है। कहते हैं कि जिस दिन इनके पहले बेटे शादाब खान का जन्म हुआ था उसी दिन अमजद खान ने शोले फिल्म साइन की थी, जिसके लिए इन्हें सिर्फ 10,000 रुपए दिए गए थे, क्योंकि ये उस समय एक नए अभिनेता थे। अपनी सेहत को खुद की प्राथमिकता मानने वाले अमजद खान रोज कसरत किया करते थे और हर दिन बैडमिंटन खेला करते थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने इन्हें कसरत ना करने के लिए कह दिया था और सिर्फ रेस्ट करने की हिदायत दी थी। इसके अलावा लगातार दवाइयां लेने से इनके शरीर पर गलत प्रभाव पड़ने लगा था और इनका शरीर दिन ब दिन मोटा होने लगा था। साल 1984 में आई फिल्म उत्सव में इन्होंने कामसूत्र के लेखक वात्सायन का किरदार निभाया था।
जिसके लिए इन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी प्राप्त हुआ था। इसी दौरान अमजद खान फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी उतरे और दो फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें पहली फिल्म चोर पुलिस कुछ समय के लिए सेंसर में अटक जाने के कारण जब रिलीज हुई तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके बाद इन्होंने अमीर आदमी गरीब आदमी नाम से साल 1985 में एक और फिल्म का निर्माण किया था। बताती चलूं कि साल 1986 में इनकी फिल्म लव एंड गॉड भी रिलीज हुई, जिसमें ये असिस्टेंट के तौर पर जुड़े हुए थे। साथ ही इन्होंने इस फिल्म में एक नौकर का किरदार भी निभाया था। साल 1988 में अमजद खान एक इंग्लिश फिल्म द परफेक्ट मर्डर में भी नजर आए थे। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में रिलीज हुई फिल्म रामगढ़ की शोले में अमजद खान एक बार फिर गब्बर के अपने अमर किरदार में पर्दे पर नजर आए थे। जुलाई 1992 में 51 साल की उम्र में अमजद खान कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त रहने के कारण ये दुनिया छोड़कर चले गए। इनके जाने के बाद भी इनकी कई फिल्म साल 1994 तक रिलीज होती रही थी। अपने बेहतरीन करियर में लगभग 130 फिल्मों में काम करने वाले अमजद खान को साल 1966 में फिल्म शोले के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का BFJA अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा साल 1980 में फिल्म दादा के लिए और साल 1982 में याराना के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। आगे साल 1986 में इन्होंने बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल की श्रेणी में फिल्म माँ कसम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया था। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के सशक्त खलनायक व चरित्र अभिनेता अमजद खान साहब पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।